साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में हार के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के उड़ा दिए परखच्चे। इन लोगों ने मिलकर के इतनी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की जिसको देखकर साउथ अफ्रीका के गेंदबाज बल्लेबाज रो पड़े। आप सभी को बता दूं कि साउथ अफ्रीका का तगड़ा गेंदबाज रवाड़ा का भी रवाड़ा निकल गया। आप सभी को बताएंगे, लाइव हाईलाइट मुकाबला दिखाएंगे कि किस तरीके से विराट कोहली ने एक ओवर में 7 छक्के लगा दिए। अब आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि एक ओवर में 6 बॉल होती हैं और 7 छक्के कैसे आखिरकार लग गए। वो आपको लाइव हाईलाइट आप लोगों को मुकाबला दिखाने जा रहा हूं। इतना रोमांचक मुकाबला आपने अभी तक नहीं देखा होगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। विराट कोहली कप्तान रोहित शर्मा ने अपने फर्स्ट टेस्ट की हार का बदला ले लिया और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी बल्लेबाज गेंदबाजों को उनकी औकात याद दिला दी। साउथ अफ्रीका की सरजमी पर जाकर के दूसरा टेस्ट का मुकाबला इस तरीके से हराया है कि साउथ अफ्रीका कभी अपने भविष्य में सोच भी नहीं सकती है। और विराट कोहली ने तो 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसको देखकर युवराज सिंह और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन और धोनी ने खड़े होकर के विराट कोहली को दिल से सैल्यूट किया है। आप सभी को दिखाएंगे कि विराट कोहली ने किस तरीके से घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की और 6 गेंद पर 7 छक्के जड़ दिए, जहां पर अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि 80 साल का कभी रिकॉर्ड टूट सकता है। विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल सभी की घातक विस्फोटक बल्लेबाजी का लाइव वीडियो दिखाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट के मुकाबले की जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुम्बा ने फिर जीती और पहले गेंदबाजी चुनी बल्लेबाजी का न्योता हमारी भारतीय टीम को दिया। भारतीय टीम के दिग्गज कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा और शुभमन गिल सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। हालांकि शुभमन गिल ने पहले टेस्ट मुकाबले में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन इस मुकाबले में काफी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करके 65 रन बना करके आउट हो गए। उसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए और कोई नहीं, विराट कोहली मैदान पर आए। विराट कोहली और रोहित शर्मा की घातक विस्फोटक बल्लेबाजी ने ऐसा कहर बरसाया जिसको देखकर हर कोई हैरान था। विराट कोहली और हिटमैन रोहित शर्मा ने काफी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की, जिसको यही देखकर लग रहा था कि पहले टेस्ट मुकाबले की और वर्ल्ड कप की हार का कोई बदला ले रहा हो। हिटमैन रोहित शर्मा विराट कोहली की घातक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रवाड़ा का भी रवाड़ा निकल गया और रवाड़ा गेंदबाज ने ऐसा सोचा नहीं था। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर वर्गर ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी भी ये भारतीय टीम कर सकते हैं। भारतीय टीम के घातक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर यहां तक हर कोई हैरान था। यहां तक दर्शक थे वो भी देख रहे थे, क्योंकि पहले टेस्ट मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा 2 बार आउट हुए 2-2, 4-4 गेंदों पर, तो लोगों ने अपनी टीवी बंद कर दी थी और मैच को नहीं देखा था, क्योंकि भारतीय टीम की हार काफी ज्यादा बुरी हुई थी। लेकिन इस बार शुभमन गिल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आप सभी को बता दें कि रोहित शर्मा लगभग 125 रन बना करके आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली का साथ देने के लिए घातक विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें कि यशस्वी जायसवाल आए। यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली मैदान पर टिके रहे और छक्के चौके की बारिश ही कर रहे थे। विराट कोहली ने काफी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की और वो अपने दोहरे शतक के करीब बढ़ रहे थे। रवाड़ा की पहले ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने छक्का लगा दिया और तीसरी गेंद पर फिर छक्का लगा दिया, चौथी गेंद पर फिर छक्का लगा दिया, पांचवी गेंद नोबॉल चली गई, नोबॉल पर भी 6 लगा दिया और एक बॉल बॉल मिल गई, और जब छठी बॉल डाली तो उस पर भी 6 लगा दिया। तो यहां पर विराट कोहली ने रिकॉर्ड तोड़ दिया 6 छक्कर लगा करके और युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट कोहली की घातक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर केएल राहुल भी हैरान थे, तो केएल राहुल ने भी आज कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप सभी को बता दूं कि यहां पर यशस्वी जायसवाल ने भी लगभग 70 रन ठोक डाले, उसके बाद यशस्वी जायसवाल भी आउट हो गए, तो विराट कोहली का साथ देने के लिए केएल राहुल मैदान में आए। केएल राहुल ने भी 120 रन की नाबाद पारी खेल डाली विराट कोहली के घातक विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ। विराट कोहली मैदान पर डटे हुए थे। यहां पर 27वें ओवर में विराट कोहली के 138 रन बन गए थे और घातक विस्फोटक बल्लेबाजी ही कर रहे थे, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि यहां पर लगभग धीरे धीरे ओवर पड़ रहे थे। 28वां ओवर डालने फिर रवाड़ा आया, रवाड़ा की फिर एक ओवर में फिर 3 छक्के और 2 चौके की लगातार नाबाद पारी खेली। यहां पर रवाड़ा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार विराट कोहली इतनी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी कैसे कर रहा है। घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से भारतीय टीम के दिग्गजों ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया, जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। केएल राहुल, विराट कोहली, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, आज कोई खिलाड़ी फ्लॉप नहीं हुआ, काफी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की। और बुमराह सिराज ने काफी घातक तगड़ी गेंदबाजी की, जहां पर 5-5, 4-4 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दूसरे टेस्ट मुकाबले में हमारी भारतीय टीम की जीत हुई और साउथ अफ्रीका को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम के फैंस चाहने वाले खुशी से झूम उठे हैं और युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली को दिल से सलाम किया है, क्योंकि यहां पर काफी अच्छी विस्फोटक बल्लेबाजी की और रोहित शर्मा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो यहां पर रवाड़ा ने भी रोहित शर्मा को सैल्यूट किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।